क्वालिटी का भरोसा चाहिए तो प्रमोद ज्वेलर्स आइए, जो लेकर आए हैं शगुन कलेक्शन का एक खूबसूरत तोहफा। हर 30,000 रुपए की खरीद पर पाइए एक लकी ड्रॉ कूपन। लकी ड्रॉ योजना में वेस्पा जीतने का सुनहरा मौका और भी कई सारे आकर्षक इनाम। जल्दी करें। प्रमोद ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगणा रोड, नागपुर, TNC अप्लाई। कांग्रेस के पूर्व सांसद विलास मुतिवार ने देश के प्रधानमंत्री जी की बेहद निचले स्तर पर आलोचना की है। इसी के चलते भाजपा द्वारा विलास मुतिवार की शिकायत चुनाव आयोग से की है। इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा के शहराध्यक्ष बंटी कुकड़े ने ठाकरे के खिलाफ शिकायत पत्र लिखा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को, जिलाध्यक्ष सुधाकर कोड़े, चुनाव प्रमुख विधायक प्रवीण तटके उपस्थित थे। प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी जैसे व्यक्ति की ऐसी आलोचना करना महाराष्ट्र और देश की राजनीतिक संस्कृति नहीं है। मुतिवार के निम्न स्तरीय बयान से सभी नागरिकों में आक्रोश है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग हमारी शिकायत पर संज्ञान लेगा और विलास मुतिवार के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। असंस्कृत, अवसरवादी, जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस पार्टी की हम कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा इस दौरान कहा गया। मी आपल्याला एका मुद्द्याकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो की मित्रहो, भाजपाला फार अहंकार आलेला आहे आणि भाजपाच्या प्रत्येक नेत्याला अहंकार आलेला आहे। मोदी तर नंबर एक चे अहंकारी आहे। अब की बार 400 पार तुझ्या बापाचं माल आहे। अरे कशाला तुम्हाला 400 पार देतील? तुम्ही आजपर्यंत आपल्या बळावर मोठ्या मुश्किलने 300 पार झालेले। 5 वर्ष 10 वर्षामध्ये तुम्ही या देशाच्या एकात्मतेचा, या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जो सत्यानाश केला त्याचा हिशोब आता 19 तारखेला नागपूरमध्ये आणि पूर्ण देशामध्ये 7 फेजेमध्ये जनता घेणार आहे। तुम्ही कशाच्या भरोशावर 400 पार? हा जो अहंकार आहे, हा अहंकार तोडण्याचं काम जनता जनार्दनाला करायचं आहे। राजा किती चौताळला तरी लोकशाहीमध्ये जनतेला त्या राजाला वटणीवर आणता येते आणि तो कार्यक्रम तुम्हाला करावायचा आहे। निवडणूक आयोगाकडे आज आम्ही तक्रार केली आहे। काँग्रेसचे माजी खासदार आणि बोल घेवळे नेते विलास मुतिवार यांनी मोदीजींचा बाप काढलेला आहे। अत्यंत अश्लील भाषेचा वापर केला आहे। इलेक्शन कमिशननी, निवडणूक आयोगाने विलास मुतिवार यांच्यावर कारवाई करावी असं आम्ही आता कलेक्टर नागपूरला निवेदन दिलं आहे। आशा आहे की नागपूर जिल्हाधिकारी आणि इलेक्शन कमिशन मुतिवारवर कारवाई करेल। दुसरं, काँग्रेसनी ऑफिशियल पेजवरनं मी दीक्षाभूमी बोलतोय असा एक व्हिडिओ जात धर्म पंथाच्या नावाने मत मागणारा व्हिडिओ जो त्यांच्या ऑफिशियल पेजवरनं आला आहे, काँग्रेसचे उमेदवार यांच्यावर सेक्शन 123 उल्लंघन केलं। तुम्ही जर व्हिडिओ बघितला, क्लिअर व्हिडिओ आहे, मी दीक्षाभूमी बोलतोय, या व्हिडिओवरनं इलेक्शन कमिशननी सेक्शन 123 प्रमाणे कारवाई करावी अशी मागणी आज आम्ही निवडणूक आयोगाला केली आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ श्रुतिजा देशमुख की रिपोर्ट।